पाटोदी प्रधान के खिलाफ 21 जुलाई को प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आपसी खींचतान का दौर जारी है। इस बीच सदस्यों की बाड़ाबंदी और प्रधान व सदस्यों के परिजनों द्वारा अपहरण की शिकायत पुलिस के साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग में किए जाने के बाद घटनाक्रम में नया मोड़ हो गया। इसको लेकर जहां राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने रविवार को बाड़मेर आकर पूरी घटना की जानकारी ली, तो मंगलवार को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाटोदी पंचायत समिति की महिला सदस्य के अपहरण के मामले को लेकर खुलासा किया। पत्रकारों से बातचीत में रियाज ने कहा कि उन्होंने स्वयं ने पंचायत समिति सदस्य कंकु देवी से बात की है। रियाज ने कंकु देवी द्वारा अपहरण की बात से इनकार करते हुए पाटोदी प्रधान के सभी आरोपों को सिरे से नकारने का दावा किया। बाद में मैं एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और कलेक्टर साहब और सारा प्रशासन को इधर बुलाए थे और प्रशासन की तरफ से और आईओ को भी मैंने बुलाया था। सारी बातों की मैंने कहा मुझे आप ब्रीफ करें, आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी है और क्या है मसला, तो सारी बातें उन्होंने विस्तार से बता दिया। इस कारण मुझे आना पड़ा और जो कार्रवाई हुई है उससे मैं संतुष्ट हूँ। माननीय हाईकोर्ट में भी उन्होंने पिटिशन लगाया था, हाईकोर्ट ने भी उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, गलत माना था। तो इस तरह की जो बेवजह परेशान करने के लिए हर किस्म का हथकंडा जो अपनाया जाता है ये गलत है। किसी महिला को, वो भी दलित महिला, वो अपनी बलबूते पे जीत के आई है, वो अपना वोट किसको दे नहीं दे उनका अपना अधिकार है, उससे उनको वंचित करने के लिए कोई प्रयास करे या उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करे ये गलत है। इतनी दूर इतनी तकलीफ उठा करके आ रही है, राजनीति कर रही है, ये चीज़ें गलत है। राजस्थान में अतिथियों का बहुत सम्मान होता है, अतिथि देवो भव और पधारो मारो देश, ये हमारा वो एक सद्भावना को व्यक्त करते हैं, राजस्थान की सोच को। मेहमान आए तो मेहमान के तरीके से आए, उसके कायदा को निभाएं। आप किसी पार्टी की प्रवक्ता बन के इधर नहीं आए। राष्ट्रीय महिला आयोग के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और उनको इम्पार्शियल होकर आना चाहिए, एक पार्टी की प्रवक्ता होकर नहीं आना चाहिए।